देश में कोरोना मरीज बढ़कर 13,800 से ऊपर पहुंचे। 452 लोगों ने गंवाई जान। पश्चिम बंगाल के हुगली से लेकर यूपी के बहराइच तक लोगों ने तोड़ा लॉकडाउन। बहराइच में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 10 नमाजी गिरफ्तार किए गए। पुलिस के मुताबिक पाबंदी के बाद भी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। यूपी में तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी लोगों पर बड़ी कार्रवाई। 45 लोगों पर FIR दर्ज। 259 के पासपोर्ट जब्त। यूपी में जमात से जुड़े लोगों को खुद जांच के लिए सामने आने के निर्देश। यूपी के डीजीपी ने कहा छिपने वालों पर कार्रवाई होगी। मरकज से जुड़े सभी लोग अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 849। अब तक 49 जिलों में पहुंचा कोरोना का संक्रमण। 82 लोग ठीक होकर घर भी पहुंचे। उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 3 नए मरीज। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 40 हुई। देहरादून में 2 और नैनीताल में 1 नया मरीज। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,640 हुई। अब तक 38 लोगों की मौत। 51 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। कंटेनमेंट जोन बढ़ाकर 66 किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,205 हुई। कोरोना से अब तक 194 लोगों की मौत और 300 लोग ठीक होकर घर गए। अमेरिका की WHO को एक बार फिर फटकार। कोरोना पर जानकारी छिपाने का आरोप। अमेरिका में चीन के खिलाफ केस की तैयारी। फ्रांस और ब्रिटेन ने भी कोरोना पर चीन से किए तीखे सवाल। 20 अप्रैल 2020 से यूपी के सरकारी कार्यालयों में काम शुरू करेंगे 33% कर्मचारी। मुख्य सचिव का आदेश, घर से काम करने की मिलेगी छूट। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सीएम योगी के तमाम निर्देशों की जानकारी दी। अवनीश अवस्थी ने कहा अब तक करीब 14 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा चुका है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दिया गया। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षण कार्य परीक्षाओं उनके मूल्यांकन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए वैकल्पिक उपाय भी सुझाए। मुरादाबाद में 15 अप्रैल को मेडिकल टीम और पुलिस पर हमला। मामले में गिरफ्तार किए गए 17 आरोपी जेल भेजे गए। स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मुरादाबाद के नागफनी क्षेत्र में मेडिकल और पुलिस की टीम पर हमला करने वालों की ड्रोन से खोज की गई है। जिस इलाके से पथराव किया गया था वहां घरों की छतों की तलाशी की गई। नोएडा पुलिस ने गैर सरकारी संगठन ब्रेड इंडिया के खिलाफ FIR दर्ज की है। नोएडा पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने, बिना अनुमति राशन वितरण करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के आरोप में मामला दर्ज किया। हाथरस के हसान कस्बे में मुस्लिम समाज के लोगों ने कोरोना वॉरियर्स का फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया। लगातार ड्यूटी दे रहे पुलिस के जवानों का लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। इसके साथ ही छतों से फूल भी बरसाए गए। रुद्रप्रयाग में कोरोना वॉरियर्स का फूलों की माला से स्वागत किया गया। फाटा गुप्तकाशी के लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे योद्धाओं का स्वागत किया और आभार जताया। बस्ती के वालतरंगगंज थाना क्षेत्र में जब पुलिस टीम क्षेत्र में निकली तो छोटी बच्चियों ने उनकी आरती उतारी और तिलक लगाकर उनका फूलों से स्वागत किया। आरती के दौरान कई पुलिसकर्मी भावुक थे। हाथरस में पुलिसकर्मियों के साथ एक बच्ची ने हाथ में पेंटिंग लेकर लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक किया। बच्ची ने पेंटिंग से समझाया कि लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है और भूखे लोगों की मदद भी करनी है। चित्रकूट में लॉकडाउन का पालन करने के लिए युवा चित्रकारों ने बस स्टैंड पर पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और यह संदेश दिया कि कोरोना से सावधान रहें और घरों में रहकर गंभीरता से लॉकडाउन का पालन करें। फतेहपुर में शहर की मंडी समिति के गेहूं क्रय केंद्र पर डीएम ने छापा मारा। डीएम ने क्रय केंद्र में किसानों के बेचे गए गेहूं की जानकारी ली और क्रय केंद्र के काम पर लगे मजदूरों और किसानों को कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लॉकडाउन के बीच गेहूं खरीद को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। शाहजहांपुर जिला प्रशासन का दावा है कि किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा और पैसा सीधे किसान के खाते में जाएगा। गेहूं खरीद के लिए जिले में 159 गेहूं खरीद सेंटर बनाए गए। फरुखाबाद में प्रधानमंत्री राहत कोष में 50 लाख देने का दावा करने वाले व्यापारी सुनील के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जिलाधिकारी ने FIR दर्ज करने के आदेश भी दिए थे। फरुखाबाद में कोरोना से बचने के लिए हवन पूजन का सहारा लिया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन में सभी अधिकारियों के साथ बैठकर हवन पूजन किया। लॉकडाउन की जरूरी चीजों को डोर स्टेप पर पाने के लिए अब आप इंटरनेट के माध्यम से
खरीद सकते हैं। इसके लिए गोरखपुर जिला प्रशासन ने दरें भी निर्धारित कर दी हैं। अपनी खरीद के भुगतान के लिए कई ऑनलाइन विकल्प भी दिए गए हैं। नोएडा में एक युवक के अजीबोगरीब वजह से खुदकुशी करने का केस सामने आया है। सलारपुर गांव में 18 साल के युवक ने सिर्फ इसलिए फांसी लगाकर जान दे दी क्योंकि उसे टिकटॉक पर लाइक्स नहीं मिल रहे थे। महोबा में प्रेम प्रसंग के कारण एक युवक ने खुद को गोली मार दी है। परिजनों ने आनंद फानंद में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया लेकिन हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। शामली में गांव की रहने वाली महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। महिला को लॉकडाउन की स्थिति में ही हरियाणा के पानीपत के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां महिला ने 3 बेटों और 1 बेटी को जन्म दिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पैडल से चलाने वाला हैंड वॉश सिस्टम बनाया। कोविड-19 महामारी में स्वच्छता के लिए संस्थान ने 4 मशीनें जिला प्रशासन को सौंपी। हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ पर कोरोना संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राज्य सरकार एक बार फिर सुरक्षा उपायों के बीच कुंभकारों को 20 अप्रैल से शुरू करा सकती है। इसके लिए हरिद्वार में कुंभ मेला प्रशासन ने राजस्थानी दून में शासन तक रणनीति तैयार की है। जल्द खुलेगा मनाली लेह मार्ग। रोहतांग पास पर बर्फ हटाने का काम जारी। बर्फबारी की वजह से साल में 4 महीने बंद रहती है सड़क। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेटे निखिल की शादी में लॉकडाउन का उल्लंघन। शादी में मेहमानों ने ना तो मास्क पहना ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। 42 गाड़ियों को मिली थी शादी में शामिल होने की इजाजत। कुमारस्वामी की बेटी की शादी में लॉकडाउन नियमों को तोड़े जाने पर राज्य के उप मुख्यमंत्री ने रामनगर के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी। बेंगलुरु से करीब 30 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में हुई थी शादी। महाराष्ट्र में 20 अप्रैल से नॉन हॉटस्पॉट वाले इलाकों में मिलेगी सशर्त छूट। स्वास्थ्य सेवा, सभी प्रकार की खेती, पशुपालन में दी जाएगी छूट। बैंक शाखाओं, एटीएम और ई कॉमर्स कंपनी को भी मिलेगी इजाजत। आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बोर्ड को 50,000 करोड़ की वित्तीय मदद का ऐलान किया। रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाया गया। आरबीआई के उपायों पर कांग्रेस से निशाना जताया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा आरबीआई को सेक्टरवार जरूरतों के आधार पर पैकेज घोषित करने चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 20 अप्रैल से टोल वसूली शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन के चलते देश भर में 24 मार्च को आधी रात से टोल वसूली स्थगित कर दी गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने प्राइवेट स्कूलों से फीस न बढ़ाने की अपील की। उन्होंने स्कूलों से लॉकडाउन के दौरान 3 महीने की फीस न लेने का भी आग्रह किया। सीबीएसई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि वो स्कूल फीस और स्टाफ के वेतन भुगतान के मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ देखें। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के ट्रैफिक पुलिस की मानवता देखिए। एम्बुलेंस न मिलने पर बुजुर्ग को ठेले पर अस्पताल ले जाकर रहा था परिवार। ट्रैफिक पुलिस ने उपलब्ध कार्रवाई करवाया सरकारी वाहन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में मौत के आंकड़ों को लेकर कहा है कि उसके अधिकारियों ने असली आंकड़ों को छुपाया। ट्रंप ने ट्वीट में कहा कि चीन के आंकड़े अमेरिका से कई ज्यादा है। न्यूयॉर्क में कोरोना को मात देने के बाद पहली बार अपने नवजात बच्चे से मिली 36 साल की महिला को स्वास्थ्यकर्मियों ने तालियों के साथ विदाई दी।